हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 है लीव के बारे में एमसीक्यूज, जो नीट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अभी तक आए हैं नीट में, तो उसी के एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लीव के एमसीक्यूज में वो है, तो सिटम जो है वो मॉडिफाइड इनटू फ्रेड ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स और नूनस, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइलोक्लेड्स। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, लीव बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइनस इन ओपुंचिया। तो इसका करेक्ट आंसर डी। इसके बाद हाउ मेनी प्लांट्स एमक चाइना रोज ओसिमम सनफ्लावर मस्टर्ड अरस्टोनिया गुआवा क्लोट्रोफस एंड नीरम ओलियंडर हैव अपोजिट फाइलोटेक्स। कितने के अपोजिट फाइलोटेक्स हैं? देखो, अगर हम बात करें सनफ्लावर की, ठीक है, सनफ्लावर की चाइना रोज की और मस्टर्ड की, तो इनमें होती हैं अल्टरनेट या स्पाइरल फाइलोटैक्सी। तो अगर हम बात करें अपोजिट फाइलोटैक्सी किन में होती हैं, वो होती हैं कैलोट्रोफस गुआवा एंड ओसिमम में। अगर हम बात करें वर्टिसलेट फाइलोटैक्सी, तो वो होती हैं अरस्टोनिया और नीरम में। तो ये बोलता है किन में अपोजिट फाइलोटैक्सी है, ठीक है, तो अपोजिट फाइलोटैक्सी है कैलोट्रोफस में। तो कैलोट्रोफस में अगर बात करें तो कैलोट्रोफस में अपोजिट फाइलोटैक्सी है, तो कैलोट्रोफस है, ठीक है। तो ओसिमम कहाँ है? तो ओसिमम में भी अपोजिट फाइलोटैक्सी है और गुआवा में भी अपोजिट फाइलोटैक्सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज B3, ठीक है। इसके बाद 15, फाइलोड इज प्रेजेंट इन फाइलोड सिस्टम प्रेजेंट, तो वो सीधे को पता है ऑस्ट्रोजन असिसिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। इसके बाद वर्लड या सिंपल लीव्स विद फ्रेड रेटिकुलेशन प्रेजेंट इन, जो वर्लड होते हैं और विद सिंपल लीव्स इसमें होती हैं और विद रेटिकुलेट, और एक वर्लड होता है और सिंपल लीव्स इसमें प्रेजेंट होते हैं विद रेटिकुलेट और रेटिकुलेशन में भी इसमें प्रेजेंट होती है। किसमें प्रेजेंट होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, अरस्टोनिया। अरस्टोनिया में एक वर्लड भी होता है और सिंपल लीव्स भी होती हैं और रेटिकुलेशन भी प्रेजेंट होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज डी, अरस्टोनिया। इसके बाद हिटरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन डिस्कस्ड इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर कॉल्ड दैट इज नोन एज लिग्यूल। लिग्यूल इसका करेक्ट जो आंसर है दैट इज डी, लिग्यूल। तो इसके साथ हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। तो हम अब मैं टॉपिक 4 इंट्रोडक्शन पर क्वेश्चन बनाऊंगा। मैंने क्वेश्चन जो रखे हैं यहाँ पर जो आए हैं, देखो 2020 में आए हैं ये क्वेश्चन, तो नीट के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो मैं अब वो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए और हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।